प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, मैं डॉक्टर फरहीन सैयद, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पलसोड़ा, जिला उज्जैन, सामाजिक विज्ञान विषय की आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 12 भारतीय संविधान के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों में हम सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सबसे पहले हम सही विकल्पों को चुनेंगे, फिर हम रिक्त स्थानों को हल करेंगे और फिर हम सही जोड़ी का मिलान करेंगे। सही विकल्प में हमारा पहला प्रश्न है संविधान है, जिसमें हमें पहला विकल्प दिया हुआ है सरकार का गठन, दूसरा देश का शासन, तीसरा नियम व कानूनों का संकलित प्रलेख और चौथा विकल्प मौलिक अधिकार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संविधान जो है नियम और कानूनों का संकलित प्रलेख है, अतः हमारा उत्तर होगा विकल्प तीसरा, नियमों व कानूनों का संकलित प्रलेख। दूसरा प्रश्न है निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है। विकल्प एक संसदीय शासन प्रणाली, विकल्प दो संघात्मक शासन, विकल्प तीन स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका, विकल्प चार अलिखित संविधान। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का संविधान लिखित संविधान है, इसलिए इन चार विकल्पों में जो चौथा विकल्प दिया हुआ है अलिखित संविधान, वह भारत की संविधान की विशेषता नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर है विकल्प चार अलिखित संविधान। प्रश्न तीसरा दिया हुआ है संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। विकल्प एक 6, विकल्प दो 14, विकल्प तीन 18 और विकल्प चार 11। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प चार 11। अगला हमारा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान में पहला रिक्त स्थान है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष रिक्त स्थान थे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, अतः रिक्त स्थान में आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा प्रश्न है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान की रिक्त स्थान के अध्यक्ष थे। आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति, जिसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है, के अध्यक्ष थे, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे प्रारूप समिति। तीसरा प्रश्न है भारत का नव निर्मित संविधान संविधान सभा द्वारा रिक्त स्थान को अंगीकृत किया गया। यहाँ पर हम लिखेंगे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। अगला प्रश्न है समानता का अधिकार संविधान में वर्णित रिक्त स्थान में से एक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समानता का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी मिलाने के लिए हमें दो कॉलम दिए हुए हैं अ और ब। अ के विकल्पों का मिलान हमको ब के विकल्पों से करना है। अ के विकल्प है पहला संविधान सभा के अध्यक्ष, दूसरा भारतीय संविधान की विशेषता, तीसरा संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, चौथा मध्य प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य और पांचवा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। ब की तरफ विकल्प दिए हुए हैं क सेठ गोविंददास, ख पंथ निरपेक्षता, ग मौलिक अधिकार, घ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ड डॉक्टर अंबेडकर। इन विकल्पों को हम सही विकल्पों से मिलान करते हैं। पहला जो हमारा विकल्प दिया हुआ है संविधान सभा के अध्यक्ष, उसका मिलान हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से करेंगे। विकल्प जो दूसरा दिया हुआ है भारतीय संविधान की विशेषता, उसे हम ख पंथ निरपेक्षता से मिलाएंगे। तीसरा विकल्प संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष को हम ड डॉक्टर अंबेडकर से मिलाएंगे। चौथा विकल्प मध्य प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य के सामने हम क सेठ गोविंददास लिखेंगे। पांचवा विकल्प जो दिया हुआ है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, के सामने हम ग मौलिक कर्तव्य लिखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के पश्चात आइए अब हम अति लघु उत्तरी प्रश्नों को हल करेंगे। अति लघु उत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न है संविधान क्या है, जिसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे किसी देश का शासन जिन मूलभूत नियमों एवं कानूनों के अनुसार चलाया जाता है उनके संकलित प्रलेख को संविधान कहते हैं। अगला प्रश्न है भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे बनाया गया है। आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि जब हमने इस पाठ का अध्ययन किया था तब हमने देखा था कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है, को मौलिक अधिकारों का संरक्षक संविधान द्वारा बनाया गया है। अतः इस प्रश्न को हम इस तरह से लिखेंगे सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तीसरा प्रश्न है
संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? इसका उत्तर है संविधान के 42वें संशोधन जो कि 1976 में किया गया था, तो उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे 1976 के द्वारा संविधान में एक नया प्रावधान मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अति लघु उत्तरी प्रश्नों के पश्चात लघु उत्तरी प्रश्नों में पहला प्रश्न है संविधान का क्या महत्व है लिखिए। इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे किसी देश का संविधान उस राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। संविधान में शासन के सभी अंगों जिनमें कि ब्रैकेट में हम लिखेंगे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की रचना, शक्तियों, कार्यों और दायित्वों का उल्लेख होता है। संविधान शासन के अंगों और नागरिकों के मध्य संबंधों को भी विनियमित करता है। संविधान देश के आदर्शों को भी स्पष्ट करता है। संविधान जनता की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था एवं आकांक्षाओं पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है संविधान सभा का परिचय दीजिए। इस प्रश्न में हम सबसे पहले संविधान सभा को समझाएंगे। हम लिखेंगे वह सभा जिसे किसी देश का संविधान बनाने का कार्य सौंपा जाए उसे संविधान सभा के नाम से जाना जाता है। भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया है। संविधान सभा का गठन ब्रिटिश शासन तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं के मध्य परस्पर सहमति से किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा की 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की कार्य अवधि में कुल 11 अधिवेशनों में 166 बैठकें हुई। लघु उत्तरी प्रश्न का तीसरा प्रश्न है मध्य प्रदेश से संबंधित संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है तत्कालीन मध्य प्रांत और बरार मध्य भारत राज्य समूह ब्रैकेट में आएगा भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और रीवा से संविधान सभा में जो सदस्य थे उनमें पंडित रविशंकर शुक्ल, सेठ गोविंददास, हरि विष्णु कामत, घनश्याम सिंह गुज, राधा वल्लभ विजयवर्गीय, ठाकुर लाल सिंह आदि प्रमुख थे। चौथा प्रश्न है राज्य के नीति निदेशक तत्वों से क्या आशय है? इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे भारतीय संविधान के चौथे भाग में शासन संचालन के लिए मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इन्हें राज्य के नीति निर्धारण करने वाले निदेशक तत्व कहा गया है। ये तत्व आधुनिक प्रजातंत्र के लिए राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। नीति निदेशक तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं कराया जा सकता, किंतु ये तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। इन तत्वों के माध्यम से भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास किया गया है। अगला प्रश्न है संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है? इसका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे संविधान की प्रस्तावना में संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण के लक्ष्यों, मूल्यों एवं विचारों का समावेश किया है। इसे संविधान की आत्मा या कुंजी भी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की मनोभावना एवं संकल्प का प्रतीक है। प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्दों में ही यह निहित है कि संविधान का निर्माण जनता की इच्छा से ही हुआ है तथा अंतिम सत्ता जनता में निहित है। प्रस्तावना में संविधान सभा के इस संकल्प की घोषणा है कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा। सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत को समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना केवल राज्य का ही नहीं वरन प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। अगला प्रश्न है समाजवादी एवं पंथ निरपेक्षता का आशय समझाइए। पहले हम समाजवाद का अर्थ समझेंगे और फिर हम पंथ निरपेक्षता का आशय समझेंगे। समाजवादी राज्य से आशय है कि भारतीय व्यवस्था समाज के समतावादी ढांचे पर आधारित होगी। प्रत्येक भारतीय की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। भारतीय परिस्थिति के अनुसार समाजवाद को अपनाया जाएगा। पंथ निरपेक्षता से आशय है संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य का आदर्श रखा गया है। इसका आशय है कि राज्य
सभी पंथों की समान रूप से रक्षा करेगा और स्वयं किसी भी पंथ को राज्य के धर्म के रूप में नहीं मानेगा। सरकार द्वारा नागरिकों के मध्य पंथ के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। लघु उत्तरी प्रश्नों के पश्चात आइए हम दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को हल करते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न परीक्षा में इस तरह से भी पूछा जा सकता है, संसदीय शासन प्रणाली की 5 विशेषताएं लिखिए, अथवा एकहरी नागरिकता किसे कहते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है, भारतीय संविधान की विशेषताएं अग्रलिखित हैं। पहली विशेषता है लिखित और निर्मित संविधान। भारत का संविधान लिखित और निर्मित है, यह ब्रिटेन के संविधान की भांति अलिखित नहीं है। दूसरा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में सर्वोच्च शक्ति रखता है। लोकतंत्रात्मक का आशय है कि भारत में राजसत्ता का स्रोत जनता है। भारत गणराज्य भी है क्योंकि राज्य का प्रधान जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होता है। तीसरी विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान में शासन की संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। देश का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है जबकि वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद के अधीन होती है। चौथी विशेषता है अंशतः लचीला एवं अंशतः कठोर। भारतीय संविधान न तो पूर्ण रूप से लचीला है न पूर्ण रूप से कठोर है, यह अंशतः लचीला तथा अंशतः कठोर है। अगली विशेषता है मूल अधिकारों की व्यवस्था। मूल अधिकार नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य होते हैं, अतः भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है, सरकार इनमें हस्तक्षेप नहीं करती। अगली विशेषता है संघात्मक शासन व्यवस्था। इसमें हम लिखेंगे, भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है। इस प्रकार भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई है। संविधान ने शासन की शक्ति को एक स्थान पर केंद्रित न कर केंद्र और राज्य सरकारों में विभाजित किया है। अगली विशेषता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होने के कारण न्यायपालिका को स्वतंत्र घोषित किया गया है। संविधान न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार देता है। संविधान द्वारा न्यायपालिका को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं। अगली विशेषता है राज्य के नीति निदेशक तत्व। भारतीय संविधान के चौथे भाग में शासन संचालन के लिए मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इन्हें राज्य के नीति निर्धारण करने वाले निदेशक तत्व कहा गया है। ये तत्व आधुनिक प्रजातंत्र के लिए राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। नीति निदेशक तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं कराया जा सकता, किंतु ये तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। इन तत्वों के माध्यम से भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास किया गया है। अगली विशेषता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। हमारे संविधान में यह मताधिकार 18 वर्ष की आयु प्राप्त सभी नागरिकों को किसी धर्म, वंश, जाति, वर्ण, लिंग, जन्म स्थान के भेदभाव के बिना समान रूप से दिया गया है। संविधान की अगली विशेषता है इकहरी नागरिकता। भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता को अपनाया गया है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है, चाहे वह किसी भी स्थान पर निवास करता हो। भारत के सभी नागरिक देश में कहीं भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं तथा देश के सभी भागों में समान अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लिखित एवं विस्तृत क्यों है, वर्णन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, भारत का संविधान एक संविधान सभा ने एक निश्चित समय तथा योजना के अनुसार बनाया था, इसलिए यह निर्मित संविधान है। इसमें सरकार के संगठन के सिद्धांत, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका आदि की रचना व कार्य, नागरिकों के साथ उनके संबंध, नागरिकों के अधिकार तथा कर्तव्य आदि के विषय में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है, इसलिए हमारा संविधान लिखित है।
विस्तृत या विशाल संविधान के लिए हम लिखेंगे। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारत के वर्तमान संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं जो 22 भागों में विभाजित हैं, जबकि अमेरिका के संविधान में 7, कनाडा के संविधान में 147 और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद ही हैं। भारतीय संविधान के विस्तृत होने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण है, भारतीय संविधान में शासन संबंधी बातों का विस्तार से वर्णन किया गया है। दूसरा, संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जिसमें शक्तियों के विभाजन की 3 सूचियां, पहली संघीय सूची, दूसरी राज्य सूची तथा तीसरी समवर्ती सूची को विस्तार से लिखा गया है। तीसरा कारण है, मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में शामिल करने से भी संविधान लंबा हो गया है। चौथा, अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों की सुरक्षा के लिए संविधान में व्यवस्था की गई है, यह विश्व के अन्य किसी संविधान में नहीं है। पांचवा, नागरिकता, राष्ट्रभाषा, सार्वजनिक सेवाओं तथा न्याय व्यवस्था के बारे में विशेष उपबंध है, इसी कारण संविधान इतना विस्तृत हो गया है। संघात्मक व संसदीय शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न को हम इस तरह से लिखेंगे, पहले हम हेडिंग डालेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था। इसके अंतर्गत हम लिखेंगे, भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है। इस प्रकार भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई है। संविधान ने शासन की शक्ति को एक स्थान पर केंद्रित न कर केंद्र और राज्य सरकारों में विभाजित किया है और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। संविधान लिखित और बहुत सीमा तक कठोर है और इसे सर्वोच्च स्थिति प्रदान की गई है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक है, जिसे संविधान की व्याख्या करने और केंद्र व राज्यों के बीच उत्पन्न संवैधानिक विवादों के निर्णय का अधिकार है। अब हम अगली हेडिंग डालेंगे, संसदीय शासन व्यवस्था। इसके अंतर्गत हम लिखेंगे, भारतीय संविधान के द्वारा देश में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। संसदीय शासन प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें राज्य का अध्यक्ष नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। वास्तविक शासन प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद द्वारा चलाया जाता है। मंत्रिमंडल का निर्माण संसद में किया जाता है। इस प्रशासन प्रणाली में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं तथा राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है। इस प्रणाली में मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अनुसरण करती है। लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न को परीक्षा में इस तरह से भी पूछा जा सकता है, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का वर्णन कीजिए अथवा भारतीय संविधान में वर्णित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए अथवा भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, नागरिकों के सर्वांगीण विकास हेतु मौलिक अधिकार आवश्यक हैं। भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। ये ऐसे अधिकार हैं जो न्याय योग्य हैं, अर्थात जिनका उल्लंघन होने पर नागरिक उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। ये अधिकार निम्नवत हैं। पहला, समानता का अधिकार। इसके अंतर्गत हम लिखेंगे, इस अधिकार के द्वारा प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता तथा भेदभाव, अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत कर दिया गया है। सरकारी नौकरियों में बिना धर्म, जाति, लिंग आदि को भेदभाव किए समानता है। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अंतर्गत नागरिकों को भाषण देने तथा विचार प्रकट करने, शांतिपूर्ण सभा करने, संघ बनाने, देश में किसी भी स्थान पर घूमने फिरने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में व्यवसाय की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी रहने की स्वतंत्रता आदि प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। प्रत्येक नागरिक को शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार है। इस अधिकार के अनुसार मानव के क्रय विक्रय, किसी से बेगार लेने तथा 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों, खानों या किसी खतरनाक धंधे में लगाने पर रोक लगा दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि
भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, अतः प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म का अनुसरण करने का अधिकार है। प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को अपनी धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने तथा उनका प्रबंध करने का अधिकार है। पांचवा मौलिक अधिकार सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत भारत के नागरिकों को अपनी भाषा लिपि तथा संस्कृति को सुरक्षित रखने तथा उसका विकास करने का अधिकार है। छठा मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया गया है कि यदि ऊपर वर्णित पांच अधिकारों में से किसी भी अधिकार पर आक्षेप किया जाए या उसे छीना जाए, चाहे वह सरकार की ओर से ही क्यों ना हो, तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में न्याय की मांग कर सकता है। इन अधिकारों को संकट काल में प्रतिबंधित किया जाता है। इस प्रश्न का अगला भाग है मौलिक कर्तव्य। अतः हम मौलिक कर्तव्य के बारे में लिखेंगे। हम हेडिंग डालेंगे मौलिक कर्तव्य। संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में एक नया प्रावधान मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। उसके द्वारा नागरिकों के 11 कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। ये कर्तव्य इस तरह से हैं। पहला, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा, भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे बनाए रखें। तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों को संजोए रखें और उनका अनुसरण करें। अगला है, देश की रक्षा करें तथा आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय सेवा करें। पांचवा कर्तव्य, भारत के सभी लोगों में सामान्य भाईचारे को बढ़ावा दें तथा महिलाओं की मर्यादा के विरुद्ध अपमानजनक व्यवहार न करें। छठा, राष्ट्र की समृद्ध विरासत को सुरक्षित रखें। सातवा कर्तव्य, प्राकृतिक वातावरण को संरक्षित रखें तथा अधिक अच्छा बनाएं एवं सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखें। आठवा कर्तव्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नवा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें व हिंसा से दूर रहें। दसवा कर्तव्य, सभी व्यक्तिगत एवं सामूहिक क्रियाकलाप में विशिष्टता के लिए प्रयास करें। ग्यारहवा कर्तव्य, यदि माता पिता या संरक्षक हैं, 6 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इन प्रश्नों के पश्चात परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अन्य प्रश्न भी हैं जिन्हें हम हल करेंगे। इसमें पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ। 4 विकल्प हमें दिए हुए हैं, जिसमें पहला विकल्प है 26 जनवरी 1948 को, दूसरा विकल्प 26 जनवरी 1950 को, तीसरा विकल्प 26 जनवरी 1930 को और चौथा विकल्प 15 अगस्त 1947 को। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। अतः इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प दो, 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्न में से क्या हैं। पहला विकल्प है, भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत अमेरिका का संविधान है। दूसरा, भारतीय संविधान पूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य है। तीसरा, भारतीय संविधान संघात्मक है। चौथा, भारतीय संविधान एकात्मक है। इसका उत्तर है विकल्प दो, भारतीय संविधान पूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य है। तीसरा प्रश्न है, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। विकल्प एक दिया हुआ है 320, विकल्प दो 345, विकल्प तीन 370 और विकल्प चार 395। इस प्रश्न का सही उत्तर, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कि विकल्प चार 395 है। इसके पश्चात हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। पहला रिक्त स्थान है, हमारे संविधान ने नागरिकों को रिक्त स्थान प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 6। दूसरा रिक्त स्थान है, वह सभा जिसे किसी देश का संविधान बनाने का कार्य सौंपा जाए उसे रिक्त स्थान के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यहाँ पर आएगा संविधान सभा। प्रश्न तीसरा है, भारत का संविधान भारत की सांस्कृतिक और रिक्त स्थान को अपने अंदर समेटे हुए हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे राष्ट्रीय अस्मिता।
तीसरा हमारा प्रश्न है जोड़ी मिलाइए। कॉलम अ की तरफ हमारा पहला विकल्प दिया हुआ है संविधान की व्याख्या, दूसरा संघ सूची और तीसरा भारतीय संविधान के अनुच्छेद। वहीं दूसरी ओर ब की तरफ हमारे विकल्प दिए हुए हैं क 395, ख सर्वोच्च न्यायालय और ग केंद्र सरकार। सही जोड़ी का मिलान हम इस तरह से करेंगे। विकल्प एक संविधान की व्याख्या को हम सर्वोच्च न्यायालय से मिलाएंगे, विकल्प दो संघ सूची के सामने हम केंद्र सरकार लिखेंगे और विकल्प तीन भारतीय संविधान के अनुच्छेद के सामने हम विकल्प क 395 लिखेंगे। इसके पश्चात हम सत्य असत्य प्रश्नों पर नजर डालेंगे। पहला सत्य असत्य दिया हुआ है भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, पर इसका उत्तर आएगा सत्य। दूसरा, संविधान सभा की पहली बैठक 8 दिसंबर 1945 को हुई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, अतः यह प्रश्न गलत है, हम यहाँ पर असत्य लिखेंगे। प्रश्न तीसरा है भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, इस प्रश्न का उत्तर है सत्य। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों को संकट काल में प्रतिबंधित किया जा सकता है, यहाँ पर सही उत्तर है सत्य। अगला प्रश्न है संविधान न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन करने का अधिकार देता है, तो इस प्रश्न का उत्तर है सत्य। सत्य असत्य के पश्चात हम एक शब्द या वाक्य में उत्तर देंगे, जिसमें पहला प्रश्न है भारतीय संविधान का आधार कौन सी योजना रही, यहाँ पर हम लिखेंगे कैबिनेट मिशन योजना। दूसरा प्रश्न है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, इस प्रश्न का उत्तर है 9 दिसंबर 1946। प्रश्न तीसरा, भाषा लिपि और संस्कृति के लिए कौन सा मौलिक अधिकार रखा गया है, यहाँ पर सही उत्तर है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। चौथा प्रश्न है किस स्थिति में मौलिक अधिकार स्थगित किए जाते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे संकट काल। प्रश्न पांचवा है कौन से संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, जैसा कि हम सभी जानते हैं 42वें संशोधन 1976 के द्वारा, यहाँ पर हम लिख देंगे 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न है संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, इसका उत्तर है 6। इन प्रश्नों के पश्चात हम कुछ अति लघुत्तरी प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है हम कर्तव्य का पालन क्यों करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत का सम्मान करें, अर्थात देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए हमें कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है भारत के संविधान में संशोधन की कितनी प्रक्रियाओं का उल्लेख है, इसका उत्तर हम लिखेंगे भारत के संविधान में संशोधन की तीन प्रक्रियाओं का उल्लेख है, जिसके अनुसार संविधान के कुछ प्रावधान संसद के साधारण बहुमत से, कुछ प्रावधानों में विशिष्ट बहुमत से तथा महत्वपूर्ण शेष प्रावधानों में संसद के विशिष्ट बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के अनुसमर्थन से बदले जा सकते हैं। अगला लघुत्तरी प्रश्न है संविधान की अवधारणा और आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए, इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखेंगे शासन व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के गठन एवं उसके कर्तव्य और अधिकारों की सीमाओं के निर्धारण के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान के अभाव में शासन का सुचारू रूप से संचालित होना कठिन है और अराजकता की स्थिति निर्मित होने की प्रबल संभावना रहती है। संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार एवं कर्तव्यों का भी विवरण होता है। संविधान शासन व्यवस्था का आधार है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में विश्व के विद्यमान संविधानों के सर्वोत्तम लक्षणों का समावेश है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए, इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे भारत का संविधान बनाते समय संविधान निर्माताओं ने विश्व के विद्यमान संविधानों के सर्वोत्तम लक्षणों को एकत्र किया और उन्हें अपने राष्ट्र की आवश्यकता और विद्यमान दशाओं के अनुसार अंगीकृत किया। आयरलैंड के संविधान से नीति निदेशक तत्वों को लिया गया है, अमेरिका के संविधान से मूल अधिकारों के विचारों को ग्रहण किया है, संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली है, भारतीय संविधान पर स्वतंत्रता संघर्ष के दिनों हुए भारत के संवैधानिक विकास का भी बहुत प्रभाव पड़ा है, इसके साथ ही इंग्लैंड की संवैधानिक परंपराएं, न्यायिक निर्णय, संवैधानिक टीकाएं और संविधान विशेषज्ञों की राय आदि का भी प्रभाव झलकता है।
प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस अध्याय के इन सभी प्रश्नों को आप नोटबुक में नोट करेंगे और परीक्षा के लिए इनका अभ्यास भी करेंगे। धन्यवाद।